दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाली कसाई मंडी में बड़े पैमाने पर हो रही गोवंश हत्या रोकने के लिए हिंदू संगठनों का विरोध अब असर दिखाने लगा है। इसी विरोध के चलते अब पुलिस कसाई मंडी क्षेत्र में पूरी सक्रियता के साथ पेट्रोलिंग कर रही है ताकि यहां इस तरह का कोई भी अवैध कारोबार ना हो सके। बता दें कि हिंदू संगठनों ने कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बाद भी गो हत्याएं नहीं रुकी। 6 दिन पहले हिंदू संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस पर कसाईयों से मिलीभगत के आरोप लगाए और धरने पर बैठकर कोतवाली टीआई को हटाने की मांग कर दी, जिसके बाद टीआई को हटा दिया गया। इसके 2 दिन बाद फिर संगठन के लोग धरने पर बैठे और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था और इसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में सक्रिय दिखाई दे रही है। सुबह हो, दोपहर हो या रात, बार बार पुलिस कसाई मंडी क्षेत्र में जाकर सर्चिंग कर रही है और गौ हत्या करने वाले आरोपियों को अपनी लगाम कस रही है। शनिवार रात मवेशियों को ले जा रहे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार सुबह करीब 4 बजे एडिशनल SP संदीप मिश्रा टीम के साथ कसाई मंडी क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने कई जगह सर्चिंग की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सर्चिंग के दौरान कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है, लेकिन टीम लगातार काम कर रही है। पुलिस की इसी दबिश के चलते कसाई मंडी में बनाए गए स्लॉटर हाउस भी आरोपियों के द्वारा खुद तोड़ दिए गए। पुलिस ने चेतावनी दी थी यदि क्षेत्र में कोई भी स्लॉटर हाउस बना मिला तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ये हाउस को तोड़ दिए गए। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। पूरा घटनाक्रम देखिए, ये जो वर्तमान में घटनाक्रम चल रहा है उसको उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पेट्रोलिंग की बस लगाई थी। दबिश की पौधी टीम के साथ हम लोग आज चेक करें, सरप्राइज चेक करें गश्त को भी और जो टीम इसमें काम कर रही है उसके साथ। और अचानक सरप्राइज चेक करने की प्रोसीजर होती है वो हमने किया आज। आज पेट्रोलिंग के दौरान कुछ मिला है अभी? नहीं, बहुत से लोगों को चेक किया हम लोगों ने, अभी ऐसा कोई आपत्तिजनक चीज़ अभी तक तो नहीं मिली हम लोगों को, लेकिन सभी लोग को चेक किया हम लोगों ने और जो संदिग्ध स्थान थे वहाँ दबिश हम लोगों ने चेकिंग करी। इस तरह के मामले में कितनी टीमें बनाई गई हैं आपके द्वारा? इस तरह के मामले में एक अलग से स्पेशल टीम बनाई गई, दूसरी गश्त टीम बनाई है और चेकिंग टीम बनाई, जो चेक पॉइंट लगाए गए हैं 3-4 प्रकार से चेकिंग हो रही है उसकी। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।